चलो कुछ प्रॉब्लम दिए थे लास्ट क्लास में करवाने के वक्त में, ठीक है। फर्स्ट वाला था कुछ लाइक लॉग, देख लिया थे, रिवाइज कर लिया सब फॉर्मूला। ये से रिवाइज हो गया था थोड़ा बहुत। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम था सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू एन टू था वन बाई लॉग ए बेस थ्री टू द पावर क्या था जी एन, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था कि क्या होता, ट्राई सर किए इसका हो? आया सर मेरा सर n बाई टू हाँ इंटू एन प्लस वन लॉग ए बेस क्यू थ्री सर अच्छा ए बेस क्यू आया है। अच्छा, थ्री ठीक सर है देख ले ए बेस, हाँ थ्री, ठीक है हो सकता है, बट हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो इसमें यस फॉर्मूला एक बताए थे तुमको कि लॉग सर ए बेस बी को हम लोग क्या लिखेंगे, सो वन बाई लॉग लॉग बी वन ए बाई बेस क्या हो बी जाता था, सर ए चला जाता बेस में एग्जैक्टली सर बी बी बी, ठीक है जस्ट रिवर्स यस हो सर जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में तुमको यूज होगा डायरेक्टली, यस तो ये सब बोलना नहीं है। तो प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो हम लोग यूनिट जो दिया गया है इसको हम लोग इसको चेंज करेंगे। पहले क्या लिख सकते हैं, वन बाई लॉग लॉग ए बेस ए बेस थ्री टू द पावर एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए थ्री बेस टू द थ्री पावर दोबारा एन, ये हो जाएगा, यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, लिख सकते हैं यस इसको यस सर कि कुछ गलत है या नहीं कुछ सर गलत है, नहीं सर ना। एन आगे आ चलो जाएगा हाँ ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर एन इंटू क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए थ्री बेस ए। यस सर अब देखो हम लोग को यहाँ पे क्या था, यहाँ देख लेना, इसको जो हम लोग लिख सकते थे जस्ट डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू एन तक था एन इंटू लॉग थ्री बेस ए था, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से है, वन से है, ठीक है वन वन से से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आई लिख दिए थे, आई इज इक्वल टू वन भी कर सकते हैं, वन टू एन तक जा रहा था, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इंटू लॉग थ्री बेस ए प्लस टू इंटू लॉग क्या हो जाएगा, थ्री बेस ए थ्री बेस ए, ठीक है प्लस प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे एन इनफिनिटी लॉग इन्फिनिटी जाएगा, यस इन्फिनिटी नहीं जाएगा एन है ना, यस लास्ट लिमिट एन तक जा रहा है, तो अब हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, लॉग थ्री बेस ए कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है जी, एन तक जा रहा है। मेरे ख्याल से इसका सम तुमको पता है इनफिनिटी क्या, यस सर इन्फिनिट, एन एन इनटू एन प्लस वन बाय टू बहुत मार सर खाओगे, इन्फिनिटी है यहाँ पे, अपर लिमिट जिसको बोलते हैं, अप टू, हाँ वन से स्टार्ट करना है। और इसमें ऐसा यस नहीं है कि हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ रहता है, एक बताए थे कॉन्सेप्ट इसमें वो सारा हाँ, डिस्ट्रैक्शन आई इज इक्वल टू वन से हम लोग एन तक जाएंगे तो क्लास में एन का, ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर टाइम मिले तो हाँ करना फिर तो हम आ जाएंगे ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है डायग्राम कि इसमें वन लिखेंगे फिर 1.5 लिखेंगे, ये गलत होगा। जब भी स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर ओके ये सब क्या होता है, होल नंबर में ही बैकग्राउंड या से आवाज आ न... रहा किसी का हेलो, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लेगा, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, ठीक है हाँ। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ आई इज इक्वल टू वन लिए स्टार्ट तो 1.5 यहाँ कर देंगे, 1.5 नहीं होगा। जब भी ये होता है तो ये जीरो से रहेगा तो वो होल नंबर में जाएगा, वन से रहेगा तो नेचुरल नंबर में, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से लिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, थ्री ले लेंगे यहाँ, इट मीन्स ये जो स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर में जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यस अब हम सर लोग उसको इसका सम पता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, यस सर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू
हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, हेलो, हेलो सर, मेरा स्क्रीन रुका है, ये सबका रुका हुआ है। सबका रुका हुआ है। हेलो सर, हर बारी अपना ही टाइम प्रॉब्लम। हेलो 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 चलो ऑडिबल है। सर, हाँ यहां तक समझ में आया था? ये प्रॉब्लम कंप्लीट तुम लोग कर लिया था, बहुत इजी प्रॉब्लम यस था। ठीक यस सर। है, बहुत इजी प्रॉब्लम था। सर आंसर बता दीजिए ना, एक बार मिला लेंगे। हाँ आंसर बता रहा हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग हाँ रोशन, हेलो यस हेलो। सर। तुम अभी होस्ट हो रखे हो, थोड़ा वो होस्ट हम लोग को ट्रांसफर कर दो स्मार्ट ट्रिप एकेडमी। सर कैसे होगा? वो दिख रहा है स्मार्ट ट्रिप एकेडमी पार्टिसिपेंट्स में, यस सर। उस पे क्लिक करो। उस यहाँ से हटाने का नहीं जाता है। पे क्लिक करोगे तो हाँ ठीक है। नहीं चलो ठीक है, ऑडिबल है ना? यस सर। हाँ तो हम लोग कहाँ तक देखे थे, वही बता रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू 1 2। अगर यहाँ पे क्या रहेगा, एन रहेगा, तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आई बराबर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 ले लेंगे, फिर 1.5 ले लेंगे, 2.5 ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कभी भी मिस्टेक ऐसा मत करना। जब भी होगा स्टार्ट, तो या तो होल नंबर में रहेगा, नहीं तो नेचुरल नंबर में होगा ऑलवेज। ठीक है, सिग्मा रहेगा तो हमेशा होल नंबर में जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर में रहेगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा तो 1 से रहेगा, तो हमेशा नेचुरल नंबर में जाएगा। तो 1 2 3 इस तरह से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका ऑलरेडी तुम लोग को समेशन पता होगा, 10th में पढ़े होगे, सीक्वेंस में है, यस कॉमन जिसका फर्स्ट क्या 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करोगे एपी का, तो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या आया है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग उसी को सॉल्व करके क्या लिखे हैं? देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट को यस जस्ट हम लोग दिस इंटू क्या हो जाएगा, log 3 बेस 8। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट हम लोग क्या किए हैं, ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट पावर जो था, यहाँ से हम लोग पावर थ्री पे यस पावर रेज कर दिए। ठीक है, सर। तो ये सिंपल था, बस इसको देख लेना, यस कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसमें कुछ पूछना नहीं नहीं ना। नहीं सेकंड सर। प्रॉब्लम था, सेकंड प्रॉब्लम था अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर,
ascending order या increasing order में तुमको increasing order problem देख लेना. Already लिखे होगे log था, a base 10 था, ठीक है, log a base 2 था, यहाँ पे log a base e था, और इसके बाद एक ऑप्शन था log a base 3 था. अब इसमें हमको बताओ कि कौन सा बना लिया ये वाले प्रॉब्लम. यस सर. क्योंकि a अब यहाँ पे वैल्यू दिया है तो ये तो नंबर है. यस तो नंबर ऑलरेडी बताया थे कि ये तो पॉजिटिव होगा, तो सारे कंडीशंस में क्या होगा डिफिनेशन के लिए हम लोग निगेटिव रखेंगे तो कभी भी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से जो वैल्यू था हम लोग बेस यहाँ पे क्या था फिक्स था, तो बेस फिक्स था तो हम लोग कैसे करेंगे अरेंज बताओ. 1/10 बेस ए 1/2 तो ए का वैल्यू कुछ. हाँ सपोज अगर तुमको कुछ नहीं पता चल रहा है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे या ए का वैल्यू लेट कर लेंगे कि हम लोग 10 एज्यूम कर लिए. ठीक है, नहीं कुछ प्रॉब्लम इसमें हो रहा है तो हम लोग जस्ट एज्यूम कर लिए कि ए का वैल्यू ये लेट कर लिए हैं. ठीक है, नहीं कुछ तुमको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो ए का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लिए. न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं री राइट कर लेंगे उसी को, ए को रिप्लेस करेंगे 10 से. ठीक है, 10 बेस 10 हो जाएगा लॉग 2 बेस यहाँ 10 बेस 2 हो जाएगा लॉग 10 बेस ई हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस 3 हो जाएगा. अब मेरे ख्याल से ये विजिबल होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है. ये बेसिकली ओवरऑल एक क्या है वैल्यू दे रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा कुछ तो इसका वैल्यू 1 है. यहाँ पे देखो अगर लॉग 2 बेस 2 रहता इसका वैल्यू क्या होता 1 होता. ठीक है, यहाँ पे हम लोग लॉग क्या लिखेंगे ये 10 है तो e बेस e, e का वैल्यू यहाँ 2.71 होता है तो इसका वैल्यू कितना होता जी 1 होता. यहाँ देखो log अगर 3 बेस 3 लेते हैं इसका वैल्यू क्या मिलता 1 मिलता. अब इस नंबर से जिसका नंबर देखो ये वैल्यू क्या है सारा जो बेस यहाँ पे है वो 1 से ग्रेटर है तो हम लोग क्या देखेंगे इस वाले नंबर को हम लोग देख रहे हैं कि जिस नंबर का वैल्यू ज्यादा रहेगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर होगा. तो अब कंपेयर करना इजी हो गया कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका मिल जाएगा जी ये वैल्यू मिल जाएंगे. यस मिल जाएगा. फिर क्या मिल जाएगा लॉग. तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो लॉग सबसे 10 हो जाएगा 10 बेस 10. इसके बाद क्या आ जाएगा लॉग 10 बेस 3 लॉग ई 10 बेस ई और यहां से लॉग 10 बेस 2 10 बेस 2. ठीक है, सिंपल तरीके से लास्ट क्लास में जैसे किए थे कि बताए थे कैसे हम लोग जो नंबर ज्यादा बढ़ बेस का वैल्यू क्या है कि बेस के अकॉर्डिंग हम लोग देख यहाँ पे नंबर फिक्स है सारे में. ठीक है, तो बेस को क्या होना चाहिए सेम अगर होता है तो ये 1 वैल्यू होता है अगर उसके आसपास ले जाएंगे तब, या यहाँ पे बेस कम रहेगा और उसका वैल्यू नंबर का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा ज्यादा ही मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग कंपेयर ऐसे कर लेंगे बेस कितना है, बेस इसका सबसे कम था. ठीक है, ग्रेटर देन 1 ही था, बेस कम था, यहाँ पे नंबर सब में क्या है एक चीज फिक्स्ड है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. जिसका बेस कम होगा वो उसका वैल्यू क्या होगा जी सबसे ज्यादा होगा, जिसका बेस ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा कम होगा. ठीक है, इस तरह से. अब देखो नेक्स्ट. हाँ बोलो. सो इसको 1/log से बेस चेंज करके बना सकते थे ना. हाँ एग्जैक्टली, वैसे भी बनेगा 1/y में कर लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि क्या होगा. जो वो भी बता दूं क्या सर? बता दीजिए. अच्छा चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसी को लिख सकते हैं 1/y क्या हो जाएगा. सपोज हम लोग a बेस था तो यहाँ पे क्या होगा चेंज कर लो. यस इस वाले को हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 10 बेस a. हाँ एग्जैक्टली 10 बेस a हो जाएगा 1/y log 2 बेस a 2 बेस a 1/y log. इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या होगा देखो बताता हूँ. 3 बेस a. ठीक है, 1/y log e बेस a. ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि जिसका वैल्यू नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जिसका भी वैल्यू क्या आएगा कम आएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा ग्रेटर होगा. तो ये माइंड में रखना है तब सेकंड स्टेप देखना है. ठीक है, तो ये सोच के डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कैलकुलेट ऐसा नहीं करना है कि कैलकुलेट करें कि किसका वैल्यू कम आ रहा है डायरेक्टली लिख दिए आंसर में तो वहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है आंसर, तो वो देखना है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर में है तो उसका जिसका वैल्यू डिनोमिनेटर में कम आएगा ओवरऑल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा. तो अब देखो एक
हाँ ए वैल्यू यहाँ पे बेस का वैल्यू फिक्स्ड कर लिए। अब जिसका वैल्यू यहाँ पे नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा जी, ज्यादा होगा ठीक है। हाँ जिसका वैल्यू बेस का वैल्यू ज्यादा होगा वो वैल्यू क्या देगा, ग्रेटर वैल्यू देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 है नंबर, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ओवरऑल वैल्यू कंपैरेटिवली सारे से क्या होगा, डिनोमिनेटर को हम लोग देख रहे हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में सोच, ओवरऑल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो यहाँ ए है, टू है, थ्री है, इसके बाद सबसे ज्यादा वैल्यू इस सबसे लोएस्ट वैल्यू ये देगा ये, ठीक है, ये ग्रेटर वैल्यू देगा यहाँ पे। ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो डायरेक्टली देख लो क्या मिलेगा, ज्यादा वैल्यू मिलेगा, वन वाई करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स में जाएगा तो लेस हो जाएगा। यहाँ पे सबसे लेस वैल्यू इसका देगा, वन वाई करेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, ठीक है, डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हो, सोच के देखो, ठीक है, वही होगा, फिर उस तुमको रिवर्स करके लिख लेना। अब सेकंड क्वेश्चन था जो इसके बाद क्वेश्चन व्हिच इज करेक्ट, हाँ व्हिच वन इज करेक्ट, यस व्हिच वन इज करेक्ट, करेक्ट ठीक है। क्या था, एक्स इज इक्वल टू लॉग 5 बेस 3 एंड वाई इज इक्वल टू लॉग 17 25 बेस 17। देखो अब हम लोग को क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, फाइंड आउट करना रहेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोग एक्स को लिख सकते हैं वन वाई, क्या लिख लेंगे, बेस देखो 25 यहाँ पे, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग 5 बेस में बेस क्या करना है, या दो चीज करना है, जब भी लॉग में रहेगा कंपेयर बोलेगा, कंपेयर करने, तो इधर क्या करना है, नंबर को सेम रखना है और बेस को सेम रखना है, तो दोनों में से कोई ना कोई क्लू रहेगा वहां पे दिया हुआ, कि एक को तुम कर सकते हो चेंज, या तो नंबर को फिक्स कर सकते हो दोनों में, अदरवाइज बेस को फिक्स कर सकते हो, तो वो देखना, दो ही पॉइंट ध्यान देना है जब भी लेस देन ग्रेटर देन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब। तो अब देखो हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे नंबर इस तरह से था तो वन वाई करेंगे तो कुछ दिख रहा है कि बेस हम लोग फिक्स कर सकते हैं अगर वन वाई में ले लें तो, ठीक है। अभी इसको देखो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 बेस 5 हो जाएगा, इसको लिखोगे तो वन वाई क्या हो जाएगा, लॉग 25 17 इसको और लिख सकते हैं क्या, वन वाई में आ जाएगा लॉग 17 5 का स्क्वायर, ये क्या जाएगा 1/2 यहाँ पे चला जाएगा, इसको लिखते जाओ टू ऊपर, लिखने में इतना लग रहा है लेकिन वो सॉल्व करोगे ना बहुत, 1/2 हो जाएगा log 5 17 ओके, इसको और लिखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में 2y कितना हो जाएगा, log 17 बेस 5 हाँ 17 बेस 5 फाइनली ये आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू ये था, ठीक है, 1/log 3 बेस 5 अब डायरेक्टली ये क्या है, रिलेट कर सकते हो, अब इजीली रिलेट कर सकते हो कि क्या होगा, 5 बेस 3 है, ठीक है, इसका वैल्यू अब फाइंड करना है और ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, अब कौन सा वैल्यू ज्यादा बड़ा आ जाएगा बोलो, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, यस, देखो अगर यहाँ पे क्या होगा कि 5 17 के अप्रोक्सीमेट लेकर के 25 करोगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा जी, 2 मिल जाएगा, लगभग 4 के आसपास, ठीक है, मींस 4 मिलेगा, नहीं सर 2 1 मिलेगा, 2/2 1 आएगा, ठीक है, यस सर, जस्ट चेंज करोगे तो इसका वैल्यू क्या है, 0 समथिंग में जा रहा है, ठीक है, 0 में रिवर्स में लोगे तो क्या आ जाएगा कि हमेशा कितना मिलेगा, 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू रफली बता सकते हो कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y हो जाएगा सर, ठीक है, हाँ सर, इस स्टेप में हम लोग और एक यूनिफॉर्म कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर न्यूमरेटर दोनों में एक 1 है एक में 2 है तो उसको सर यूनिफॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, किसमें सर, जैसे log x का सर x का न्यूमरेटर 1 है और y का न्यूमरेटर 2 आ रहा है, y का न्यूमरेटर 2, यस सर, मतलब 2/2 में ले जा सकते हो, चीज करना है तो वैसे भी रिलेट कर सकते, इसको लिखोगे 2 कर दिए तो यहाँ पे log क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे 2 लिख सकते हो ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा,
लिखने का लिख सकते हो, कंपेयर करोगे तो. अब ये टू को क्या यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, ले जा सकते हो ना. तो टू yes, यहाँ आ जाएगा log, ये फाइव और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइन हो जाएगा. और ये हो जाएगा टू log 17 13. स्टिल क्या है, ये वैल्यू लेस है. अब yes, कर सकते हो, ये टू इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे विजिबल हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया 17 वेस 5. इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा. तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, लेस हो जाएगा. ठीक है, वो भी कर सकते हो. ठीक है, ज्यादा भी विजिबल यहाँ से आ गया, यहाँ तक कर सकते हो, ठीक ना, इससे ज्यादा विजिबल है. तो एनी हाउ तुमको वहां तक फाइनली पहुंचना है कि रिलेट कर पाओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना. एक्स वाई चेक, टू द पावर क्या था, x इज इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z. ठीक है, एंड x y z इज इक्वल टू 288. तो 1y क्या निकालना था, 2x प्लस 1y 4y प्लस 1y 8z इज इक्वल टू व्हाट. किसी ने सॉल्व किया है क्या? यस सर. ये 2 नहीं है, 2 नहीं है. ठीक है, बताओ आंसर कितना आया था सर. एक सेकंड सर, 11y. इसका कौन, हाँ बोलो सर, 11/96 आया. हाँ आंसर तो करेक्ट दिख रहा है, सही है सर. ठीक है, चेक कर लेते हैं. हाँ करेक्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ आएगा. अब आंसर पता नहीं है, अब सॉल्व करके देखो कितने लोगों ने ट्राई किया है. रेज करेगा हाथ, कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है बताओ. सर मैंने सॉल्व किया. रवि वर्मा, यस सर. हाँ, सानिया चौहान, सुदीप, दिव्यांशु, धीरज. अरे यार सारे लोग सॉल्व किए हो क्या, इतना भी इजी क्वेश्चंस तो नहीं था. आंसर गलत है. हाँ ट्राई किया था लेकिन, अच्छा कुछ लोग लगता है हैंड. हाँ क्या ट्राई किया था, ट्राई कियो. यस आंसर शाश्वत, शाश्वत रौनक मुखर्जी तो नहीं बना. चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, बना देता हूँ मैं. ऊपर वाले क्वेश्चंस बने थे, तीन क्वेश्चंस जो अभी सॉल्व किए. हाँ वो बन गया था. अच्छा बन गया था. चलो इसका ट्रिक बताए थे कि कैसे करना है, या कॉन्सेप्ट की पॉइंट बता दिए थे लास्ट टाइम में कि कैसे सॉल्व करना है. जब भी हम बोले थे कि इस तरह के इक्विवेलेंट इक्वल का ये रहेगा साइन, तो हम लोग क्या करना है कि के अज्यूम कर लेना. 4y इज इक्वल टू क्या करना है, 8 टू द पावर z इज इक्वल टू के अज्यूम किए थे, बोले थे ना के अज्यूम कर लेना है जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेगा तो. ठीक है, लास्ट टाइम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी ऐसे क्वेश्चंस बताए थे, तो बोले थे ऑलवेज तुमको के अज्यूम करके ही प्रोसीड करना है, कोई ऑप्शंस ही नहीं रहते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 2 द पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, k हो जाएगा. यहां से 4y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, 8 टू द पावर ये z हो जाएगा इज इक्वल टू k. हम लोग क्या कर सकते हैं, अब log में, log पढ़ रहे हैं तो ऐसे प्रॉब्लम में ध्यान रखना है कि log से ही बनता है. ठीक है, तो यहाँ log बेस कितना ले लेंगे, इसको भी चेंज कर लो, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y k हो जाएगा. यस सर, इसको लिख सकते हो 3 टू द पावर 3z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2 टू द पावर 3z, सॉरी z. ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 टू इज इक्वल टू k. अब हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग log विथ बेस 2. ठीक है, 2 लिखेंगे. अब हम लोग को प्रोसीड करना है तो क्या होगा, देखो log हम लोग 2 यहाँ पे x हो जाएगा, बेस ये है, यहाँ log क्या हो जाएगा जी, k बेस 2 ले सकते हैं ना. सिंपली हम लोग क्या किए हैं कि बेस में उसको ले लिए log में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना. नहीं सर, एक के लिए बता रहा हूँ. अब हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो सिंपली जो लिख देता हूँ इलेबोरेट करके,
प्रॉब्लम समझने में ना हो. टू बेस टू इज इक्वल टू लॉग के बेस टू. ठीक है. अब देखो वैल्यू ऑफ दिस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वन हो जाएगा. बेस एंड क्या है, नंबर सेम है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग के बेस टू. ठीक है. सिमिलरली हम लोग किसको चलेंगे, सेकंड वाले से चलेंगे. यहाँ से एक दिया हुआ था टू बेस टू वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ था, यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू लॉग के बेस टू आ जाएगा. आ जाएगा देखो ना सिंपली इस वाले में. अब नेक्स्ट था कितना, टू द पावर थ्री जेड इज इक्वल टू के, इसमें मैं लॉग लेंगे, लॉग यहाँ क्या हो जाएगा, ये थ्री जेड हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा. ठीक है. इज इक्वल टू लॉग के बेस टू, हम लोग क्या करेंगे, थ्री जेड इज इक्वल टू लॉग टू बेस टू हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग के बेस टू. वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री जेड इज इक्वल टू log log k base 2. तो j is equal to log k base 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 by 3 आ जाएगा. yes sir. डिवाइड कर दिए हैं 3 को. yes sir. यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं y is equal to कितना आ जाएगा, y is equal to 1 by 2 log k base 2. ठीक है. yes sir. अब हम लोग गिवन क्या था, देखो बहुत बहुत इजी प्रॉब्लम है. गिवन क्या था, जस्ट वन बाई वन स्टेप देखना है और कॉन्सेप्ट को याद रखना है. प्रॉब्लम याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट को याद रखना कि किस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक. अब गिवन था एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 288. ठीक है. तो हम लोग क्या किए कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे सर सॉल्व कर लिए, एक्स इज इक्वल टू दिस था, वाई इज इक्वल टू दिस है, एंड जेड इज इक्वल टू ये आ गया. हम लोग तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो x इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, k बेस 2 इनटू y का वैल्यू 1 बाई 2 लॉग k बेस 2 इनटू z का वैल्यू क्या था, 1 बाई 3 लॉग k बेस 2. दिस इज इक्वल टू 288. ओके. अब यहां से क्या करेंगे, लॉग देखो k बेस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, 3 है. yes, यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाई 6 इज इक्वल टू 288. ठीक है. लॉग k बेस 2 इज इक्वल टू 6 इनटू 288. अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है k का. तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 12 से अच्छा क्यूब है, रुक जाओ मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं उसको. यहाँ पे क्या है, क्यूब था, यही था ना जी. यस सर. यस. ठीक है. ठीक है. तो क्यूब है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग के बेस 2 इज इक्वल टू 6 इनटू 288 टू द पावर 1/3. ठीक है. सॉल्व कर लो. हम लोग फैक्टराइज अगर नहीं करने आता है तो फैक्टराइज इसको, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट में क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज 6 into 288 फैक्टराइज कर लो. जिसको नहीं आ रहा है 288 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 144 लिखेंगे, होगा 2 को 2 टाइम्स 72 हो जाएगा, 2 टाइम्स 36 हो जाएगा. जिसको नहीं आता है उसके लिए हम बता रहे हैं 18 हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना लिखेंगे 9, 2 टाइम्स कितना लिखेंगे 3. तो एक पावर यहाँ से ऐड होगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा जी, ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, टू पे पावर 6 इंटू 3/3. तो क्या हो जाएगा, लॉग के बेस 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 6 1/3 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 1/3. कैंसिल आउट हो गया,
ये टू, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर हो गया इंटू थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व. तो लॉग के बेस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व. तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यही वैल्यू आएगा ना. यस सर. एग्जैक्टली. अब ये वैल्यू क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट कर लेना है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था. फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया था, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है बट अच्छा प्रॉब्लम है. ठीक है कर लो वहां पे लिख लो. वन बाई कितना था जी, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, वन बाई टू एक्स, वन बाई फोर वाई, वन बाई एट जेड. देखो वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई फोर वाई प्लस वन बाई एट जेड. तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स बराबर क्या था बोलो, टू पे पावर 88. रुक जाओ, एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखोगे 12. एक्स लॉग टू पे पावर के था. ठीक है, लॉग टू पे पावर के था, लॉग के बेस टू था. के का वैल्यू कितना आया था, सब्स्टिट्यूट कर लेना, लॉग ये 12 था तो फाइनली कितना आ जाता, एक्स का वैल्यू 12 आ गया. ठीक है, वाई का वैल्यू करोगे लॉग, यहाँ वन वाई टू था, टू यहाँ टू पे पावर 12 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, सिक्स ना. जेड इज इक्वल टू वन बाई थ्री लॉग टू पे पावर यहाँ 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर. ठीक है, अब हाँ फोर. ठीक है, पुट कर लो, वन बाई टू इंटू 12 प्लस वन बाई फोर इंटू सिक्स प्लस वन बाई एट इंटू फोर. एग्जैक्टली, तो वन बाई 24 प्लस वन बाई 24 ही आ रहा है, प्लस वन बाई 32. ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, 96 एलसीएम ले लेना. ठीक है, एलसीएम लोगे 96 आएगा. ठीक है, एलसीएम फाइंड करना आता है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 3 11 बाई कितना आ गया जी, एग्जैक्टली 11 by 96. This is the correct answer. ठीक है, एक बार देख लेना, ये PDF तुमको मिल जाएगा, प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए. वन बाई वन प्रोसेस क्या किए हैं जो. ठीक सर, काफी लंबा है सर प्रोसेस. हाँ तो देख लेना है, शॉर्टकट प्रोसेस में बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है, देख लो. सर वो पूछना था सर, लॉगरिथम का हम लोग को बुकलेट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन वाला लॉगरिथम का तुमको सिर्फ असाइनमेंट मिलता है, वो वर्कशीट उसमें भी सर एक ही दो लॉगरिथम का क्वेश्चन है. अच्छा, मिल जाएगा तुम लोग को. ठीक है, दे दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में तुमको दे देंगे. हाँ बोलो सर, वो जो कल जो संडे जो टेस्ट हुआ था सर, उसका क्वेश्चन पूछना था. अच्छा अच्छा, ठीक है, लास्ट में पूछ लेना. लिख करके रखे हो ना क्वेश्चंस, लिख करके रखे हो? नहीं सर, और भी क्वेश्चंस था इसमें, यही है लास्ट ना. यस सर, लास्ट यही है. अच्छा चलो, अब तो वर्कशीट का, वर्कशीट वाला. हाँ बोलो सर, उसको लास्ट में कराइएगा वर्कशीट को. हाँ वर्कशीट लास्ट में करवा देंगे. यस सर, चलो आगे बताता हूँ. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस बनाओ अभी. ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, दो तीन देख लो लॉग का, उसके बाद इनइक्वालिटीज शुरू करेंगे मॉडुलस फंक्शन बताने के बाद. सर बुक से कब से स्टार्ट कीजिएगा, क्या सर बुक से जैसे स्टार्ट होगा. ठीक है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, लॉग ये वैल्यू सॉल्व करना है कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा. क्वेश्चन वन है, ठीक है, एक्स का वैल्यू,
x का वैल्यू बताना है. क्वेश्चन वन हो गया, क्वेश्चन टू में लिख लेना, क्वेश्चन टू में सिंप्लीफाई करना है. वैल्यू बताना है कि कितना आएगा, वन बाई लॉग इसका वैल्यू बताना है सिंपलीफाई करके क्या आएगा जो. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है अभी. log 3 base 4 into log 64 base 243 this is equal to क्या होगा. तीन क्वेश्चंस हैं, लिखो. विजिबल है ना? यस सर. हाँ ठीक है, तीन क्वेश्चंस हैं, लिखो जल्दी से, ट्राई करो, सारे लोग बनाएगा. वन बाई वन पूछूंगा, इजी क्वेश्चन है. देखिए चलो, फर्स्ट प्रॉब्लम बना लिया क्या? यस सर. कितना है आंसर? 32. हाँ 32 आ सकता है. फर्स्ट का 32 आया. ठीक है चलो, 32 जिनका भी आया वो करेक्ट है. फिर सेकंड का आ गया. सेकंड का क्या आया? 2 आ रहा है सर. सेकंड का 2 आंसर आया. यस सर. ठीक है देखता हूँ. थर्ड, थर्ड में था सर. एक सेकंड सर, ये नहीं देखे क्वेश्चन, बस दो सेकंड. लिख लो, लिख लो. ट्राई करो, पैनिक नहीं होना है. नहीं बनेगा बताऊंगा, अभी वन बाई वन सॉल्व कर दूंगा. यस सर. चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन वन है, सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर. क्वेश्चन वन क्या था? लॉग एक्स बेस स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 4y3. चलो इसको लिखेंगे तो क्या होगा? लॉग एक्स बेस स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 10y3 हो जाएगा. हो जाएगा. अब क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा. इसको लिखेंगे तो बेस कितना हो जाएगा? इस पे 10y3 चलेगा. 10y3. अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3/2 हो जाएगा. ठीक है, इनटू 10y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2 3/2 इनटू 10y3. 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएंगे. इज इक्वल टू 2 to the power 5. कितना आ गया जी? 32. अच्छा 32 होता है. ठीक है, तो 32 आंसर हो गया. यस सर. थर्ड का भी आ गया सर. चलो कितना आया थर्ड का? सर थर्ड का 3/5 आया. सेकंड का देखते हैं. सेकंड का 2 सर. 1/log abc. यहाँ पे क्या था? ab.
प्लस वन वाई लॉग ए बी सी, बेस क्या था बी सी, बी सी प्लस वन वाई लॉग ए बी सी बेस ए सी, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पे नंबर सेम है, तीनों में हम लोग देखेंगे तो क्या है यहाँ पे नंबर सेम है। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे जी, रेशियो को जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है, बेस रिवर्स। हाँ, तो हम लोग यूज फॉर्मूला लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई लॉग ए बेस बी, जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ए बी सी, यहाँ पे ए बी बेस, फिर लॉग ए बी सी, बी सी बेस ए बी सी, प्लस लॉग ए सी बेस ए बी सी, ए बी सी एग्जैक्टली। अब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग ए बी सी हो जाएगा यहाँ पे ए बी इंटू, देखो प्लस में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला लग जाएगा, ए बी बी सी इंटू सी ए इज इक्वल टू लॉग, यहाँ हो जाएगा ए ए बी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस तो सी छूट गया सर, ठीक है। अब क्या हो गया, तो इसका वैल्यू वन हो गया, यस सर, तो टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का, चलो क्वेश्चन थर्ड में था, लॉग थ्री बेस फोर इंटू लॉग, यही है ना, yes, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखना है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, लॉग ये क्या हो जाएगा बोलो सर, वन बाई सर, ये लॉग थ्री बेस फोर रहेगा और ये हो जाएगा सर थ्री बाई फाइव लॉग फोर बेस। अच्छा, एक फॉर्मूला इसमें क्या यूज करोगे कि कुछ ऐसे हो जाता है, लॉग ए बेस बी होगा तो हम लोग लिखेंगे लॉग ए, यहाँ पे मान लो क्या पी, यहाँ पे लॉग बी बेस पी, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, सेम एंड पॉजिटिव नंबर, बेस चेंज फॉर्मूला सर, हाँ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला हो गया। इसमें हम लोग बेस क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, ये लिख लेना पी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पी इज इंटीजर, नहीं इंटीजर नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए वो, पॉजिटिव तो जीरो हो सकता है सर, जीरो पॉजिटिव में आता है क्या, वन, वन पॉजिटिव होता है, यस सर, हाँ तो वन पॉजिटिव होता है तो होगा, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है तो जीरो वन नहीं ले सकते, वन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बताया है कि लॉग के केस में वहां पे कभी भी हम लोग बेस का वैल्यू वन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे पी नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, ऑलरेडी वो समझना है, हर जगह स्टेप पे तुमको बताया नहीं जाएगा, ठीक है, कभी भी हम लोग बेस में वन नहीं लेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे थे क्वेश्चंस में जो था, लॉग फोर बेस थ्री इंटू लॉग सिक्सटी फोर बेस, यहाँ क्या था जी 243, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग फोर हो जाएगा, लॉग थ्री हो जाएगा, बेस कुछ लिख लो, ए बेस लिख लो ए इंटू, यहाँ पे हम लोग लॉग सिक्सटी फोर बेस ए इंटू लॉग, लॉग ठीक है, लॉग 243 बेस ए, ए बेस ले लिए, यहाँ बेस इज इक्वल टू क्या जूम कर लिया ए,
ये हम लोग लेट कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग अब देखो क्या होगा, लॉग इसको क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा लॉग थ्री बेस ए हो गया इनटू लॉग, ये टू पे पावर कितना हो जाएगा सिक्स, ये बेस ए हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग थ्री टू द पावर कितना लिख सकते हैं इसको फाइव, फाइव सर फाइव लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू लॉग टू बेस ए डिवाइडेड बाई लॉग थ्री बेस ए इंटू लॉग सिक्स टू बेस ए डिवाइडेड बाई लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा टू बेस ए, अब देखो कैंसिल आउट होगा यहाँ पे सर, वो चेंज होगा ऊपर में वन बाई सर, वो लॉग थ्री बाई फोर था, थ्री बेस फोर था, लॉग थ्री बेस फोर था वो, अच्छा ये हाँ ओ ठीक है, हाँ इसको करेक्ट कर लो, लॉग थ्री बेस फोर था, देख लेना लॉग थ्री बेस फोर था, चलो यहाँ पे क्या लिखोगे थ्री लिख लेना, यस सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब फोर फोर हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जी टू टू द पावर टू, तो टू आ जाएगा और ये टू लिख दिए, ठीक है यस यस। अब यहाँ पे लॉग थ्री बेस ए था, यहाँ पे क्या आ गया था लॉग टू बेस, यस ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ थ्री है ना, यस सर बेस थ्री नंबर थ्री, हाँ तो ये सिक्स बाई कितना आ गया टू इंटू फाइव इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये याद रखना है, कौन सा ये वाला, कोई भी फॉर्मूला भूलना नहीं है, ठीक है। जब भी सेम वैल्यू देंगे, जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल जैसे बता देते हैं, लॉग ये टेन बेस थ्री लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लॉग टेन, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं टू बेस लॉग, यहाँ टेन टू हो जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं लॉग टेन बेस थ्री लिख सकते हैं लॉग टेन बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री बेस थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ठीक है ये लिख सकते हैं थ्री बेस थ्री, तो ये चल सकता है, ठीक ना सर, थ्री बेस थ्री वन हो जाएगा ना, हाँ तो फिर सेम वैल्यू हो गया ना, देखो इक्वल हो गया, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं और में भी लिख सकते हैं लॉग टेन बेस, हम लोग यहाँ टेन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉग थ्री बेस क्या हो जाएगा टेन भी हो जाएगा, और भी लिख सकते हैं लॉग टेन बेस थाउजेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है लॉग थ्री बेस थाउजेंड भी लिख सकते, तो ये किसी में भी चला जाएगा, बस क्या रखना है बेस को फिक्स रखना है डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में, एंड उसका वैल्यू क्या होना चाहिए डिफाइंड होना चाहिए, मींस नॉट इक्वल टू वन एंड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखो मॉडुलस में चलो कुछ हम लोग मॉडुलस देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन होता है, बस मॉडुलस से बता रहा हूँ, ठीक है न्यू टॉपिक है इसको देखना, जैसे हम लोग इसे ये हो गया, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स, ये क्या होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है,
इसका मीनिंग कैसे समझोगे? जस्ट आउटपुट क्या कर देता है, निगेटिव रहेगा, तीन तरह के नंबर होते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या हो गया, x इज इक्वल टू जीरो हो गया, नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो गया। तो ये वैल्यू क्या है, ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग क्या होगा कि इधर जो भी वैल्यू अब टू यहां तक रहेगा, नो चेंजेज होगा, लेकिन जहां निगेटिव रहता है उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये तो नंबर के केस में हो गया। इनसाइड में वैल्यू क्या होगा, निगेटिव भी कुछ भी रखिए, हमेशा इसका जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। समझा, कोई भी चीज रखिए पॉजिटिव देगा आउटपुट। जैसे यहाँ पे टू रखें, मॉडुलस टू पढ़ेंगे कैसे, मॉडुलस ऑफ टू, ठीक है? तो मॉडुलस टू का वैल्यू टू ही मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ जीरो का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मॉडुलस ऑफ माइनस थ्री रखेंगे, इसका वैल्यू कितना मिलेगा जी, थ्री मिलेगा। ये वर्क कैसे करता है, तो हम लोग देखो माइनस थ्री का मॉडुलस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक एक्स्ट्रा माइनस। जैसे ही माइनस रहता है तो क्या किया जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता है अपनी तरफ से, इसका यही मैकेनिज्म है, ठीक है? एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस रहेगा थ्री, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। जब पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं प्रोवाइड होता है, जब निगेटिव रहेगा तो एक एक्स्ट्रा माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता है, इक्वल टू क्या हो गया, थ्री। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे ही माइनस आया तो माइनस वन से मल्टीप्लाई उसको कर देगा, ठीक है? जैसे देखो माइनस फाइव का मॉडुलस लिखेंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा जी, माइनस ऑफ माइनस फाइव, ये एक्स्ट्रा आ जाता है माइनस, ठीक है? तो फाइव मिल जाएगा। जैसे सपोज तुमको माइनस टू रूट फाइव ही हो गया मॉडुलस देगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव, पॉजिटिव फाइव, ठीक है? तो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है जो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं। सपोज तुमको कोई इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स भी दे देगा तो इसका आउटपुट जो मिलेगा वो ऑलवेज क्या देगा, आउटपुट पॉजिटिव विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, कभी भी निगेटिव नहीं देगा। सपोज तुमको दे दे कि x square minus x का modulus दे दे is equal to minus 2, कभी possible है? No sir. Never possible, ठीक है? तो ये just देखते ही बता देना, never possible. Possible. कभी भी इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है? जीरो हो सकता है, जैसे x square minus x का modulus लेंगे तो ये जीरो हो सकता है, ये करेक्ट है। x square minus x का वैल्यू अगर ले दे root 2 है तो ये करेक्ट है, लेकिन जैसे ही x square minus x का modulus अगर बोल दे कि minus 1 है, minus 1.5 है, तो ये क्या होगा, not possible, कभी भी। क्यों क्यों, इसमें रीजन लिखोगे, जस्ट ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव कभी हो सकता है, कभी आएगा, दोनों इक्वल नहीं होगा ना, तो ये ध्यान रखना है। तो जब भी तो इसमें क्या करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जैसे देखो सर, जीरो पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है ना, हाँ जीरो आ जाता है, जीरो पे क्या दे देता है, जीरो ही देता है, तो उसको क्या देंगे, हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, क्वांटिटी। इसके लिए होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आई का जो वैल्यू होगा, आई का वैल्यू अगर इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, तो आई का वैल्यू अगर जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसी तरह से नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो उसमें क्या होगा कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, मॉडुलस एक्स जीरो हो सकता है, और जीरो देखो यहाँ पे बताए थे कि जीरो पॉसिबल है, जीरो पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल है, लेकिन कभी भी वैल्यू इसका नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम इसमें अभी नहीं है ना? Nice. अब देखो दो कंडीशन में इसको ब्रेक करते हैं, जैसे मॉडुलस एक्स है तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, दो कंडीशन, दो केसेस आ जाएंगे। क्या क्या केसेस आएगा कि यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है? अभी नंबर लाइन पे बताए थे, यहाँ पे क्या माइनस ऑफ क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा, जब x का वैल्यू लेस देन जीरो। अब देखो इसको लिखने का क्या, ऐसे क्यों हम लोग ऐसे लिखे हैं, तो देखो x से हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो हो गया, एक ये आ जाएगा, और सेकंड कंडीशन ये आ जाएगा, ये सेकंड हो गया,
ये फर्स्ट हो गया. तो हम लोग जो भी इधर का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये जो एंट्री वाला ले रहा है कि एंट्री जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ये रियल नंबर है दोनों, ठीक है. एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं रखना है. एक्स इज इक्वल टू क्या है, रियल नंबर. जो भी एंट्री होगा वो रियल होना चाहिए, ठीक है, रियल क्वांटिटी होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग देखो जैसे सपोज इस तरह से यही वाले फंक्शन में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग कैसे x इज इक्वल टू अगर माइनस टू लेते हैं तो माइनस टू किस में जाएगा जी, ये देखो ये बता रहा है कि एंट्री जो इसमें होगा वो क्या होना चाहिए. जब x, हम लोग ये कब यूज करेंगे ये वाले आउटपुट, जब x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो होगा. तो ये क्या है, x का वैल्यू जीरो से छोटा है तो हम लोग वहां पे इनपुट रखेंगे. तो माइनस ये माइनस टू, x एग्जैक्टली वैसे ही जाएगा, ये टू हो जाएगा. देगा आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे कि माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा. ठीक है, सपोज तुमको, तो हम लोग वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या एक्स हो जाएगा. ठीक है, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो. इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी यहाँ भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इक्वालिटी इसको अगर यहाँ से यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ हटाना पड़ जाएगा, यहाँ हटाना पड़ जाएगा. इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, ये x हो जाएगा x ग्रेटर देन जीरो, ये माइनस ऑफ x हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, दोनों करेक्ट है. इक्वालिटी लगाओगे तो फाइनली यहाँ भी जीरो ही आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको यूज करना है. ठीक है, अब देखो सपोज मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू टू दे दिया. ठीक है, हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे. हेलो, यस सर. हाँ सर, बोलिए. ठीक है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू टू दिया हुआ है तो x का क्या क्या वैल्यू होगा कि वो टू के इक्वल हो जाए. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ऐसे ही है कि x इज इक्वल टू एंट्री हम लोग टू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू हो गया, ये माइनस टू हो गया. अगर x इज इक्वल टू टू रखते हैं तो मॉडुलस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. x इज इक्वल टू माइनस टू भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस x का वैल्यू टू हो जाएगा. ठीक है, इसके केस में तो हम लोग मॉडुलस x इज इक्वल टू अगर टू तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू. ठीक है, मॉडुलस x प्लस टू है इज इक्वल टू थ्री है, बताओ आंसर कितना आएगा. प्लस माइनस थ्री, प्लस वाला हम लोग ले लेंगे तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से वन आ जाएगा. निगेटिव, निगेटिव टेकिंग निगेटिव. ठीक है, तो x प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस थ्री. x इज इक्वल टू माइनस फाइव. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये डिस्टेंस को ऐसे भी समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस x इज इक्वल टू टू. तो क्या बोल रहा है कि यहाँ जीरो से क्या होना चाहिए, टू यूनिट डिस्टेंस पे हम लोग रिफरेंस, अगर x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, x माइनस जीरो से हम लोग जस्ट सोचने के लिए ये टू है. तो ये जीरो से कितना यूनिट होना चाहिए, x का जो डिस्टेंस है वो टू यूनिट पे है. ठीक है, ये जीरो यूनिट पे हम लोग फिक्स कर लिए रेफरेंस पॉइंट. अब जीरो से ये क्या है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, मीन्स यहाँ से टू डिस्टेंस. तो यहाँ टू यहाँ पे जा सकता है, माइनस टू यहाँ पे भी जा सकता है. ठीक है, टू यूनिट डिस्टेंस पे, टू यूनिट डिस्टेंस. जैसे तुमको मॉडुलस x आप प्लस कितना लिखे थे, टू, x प्लस टू इज इक्वल टू कितना था, थ्री. तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x प्लस, समझने के लिए इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एनालिटिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको. माइनस ऑफ क्या लिख सकते हो, माइनस टू. ठीक है, जब भी लिखना है तो इज इक्वल टू थ्री. इट मीन्स इसमें क्या बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू कहाँ से, माइनस टू से, माइनस टू से थ्री यूनिट डिस्टेंस. तो माइनस टू से थ्री यूनिट डिस्टेंस हम लोग किधर जा सकते हैं, थ्री इधर जा सकते हैं और
थ्री इधर जा सकते हैं. जब थ्री हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस फाइव आएगा. जब थ्री यूनिट राइट साइड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, वन आ जाएगा, थ्री यूनिट. तो समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं. समझ में आया, टू फिक्स किए जैसे तुमको लिखा हुआ है, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू टू. तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू, देखते जाना है क्या होगा. एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू प्लस माइनस टू. सॉल्व करते हैं तब तो एक्स हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लिए. अब देखो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू सेवन, गुड. माइनस लेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री. लेकिन एनालिटिकली हम लोग इसको समझेंगे, इस क्या हो गया, मैथमेटिकली हम लोग इसको सॉल्व किए हैं. एनालिटिकली हम लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू कहाँ है, फाइव है. इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स माइनस फाइव का मॉडुलस इज इक्वल टू टू है. अब देखो क्या होगा ना, तो एक्स माइनस यहाँ पे फाइव लिखेंगे, माइनस कहाँ लिखेंगे गधा, ठीक है. देखो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है. अब ये बता रहा है कि फाइव से क्या होना चाहिए, फाइव से टू यूनिट डिस्टेंस हम लोग देखेंगे. तो टू यूनिट डिस्टेंस हम लोग इस लाइन पे किधर जा सकते हैं, नंबर लाइन पे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जा सकते हैं. तो राइट साइड जाएंगे, टू यूनिट एड करना है, तो टू यूनिट एड करेंगे तो ये पॉइंट सेवन आ जाएगा. टू यूनिट हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो फाइव में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री. आंसर कितना आया था, थ्री सेवन, थ्री सेवन आया. तो जस्ट ऑब्जर्व करके हम लोग देख सकते हैं इस तरह से. अदरवाइज तुमको ये जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट समझना है ऐसे ही मैथमेटिकली सॉल्व करना है कि क्या वैल्यू आएगा. तो ये आ गया थ्री और सेवन आ गया, ठीक है. अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू x का तुम लोग को ग्राफ आता है क्या, ग्राफ yes, sir. Straight line आएगा, sir. Straight line आएगा. Exactly. ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है. yes, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कुछ जाता है स्ट्रेट लाइन, गया जी. yes, sir. y इज इक्वल टू x सबको पता है, जिनको नहीं आता है वो बोलेंगे. हेलो, चलो ठीक है. हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है. बहुत सिंपल है. अब क्या करें कि जब मॉडुलस रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे वर्क नहीं करना है. मॉडुलस को क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे. ब्रेक करके नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसे सॉल्व करते हो वैसे तुमको रिड्यूस करना है. उसको रिड्यूस करने के लिए जो मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है. अब देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग मॉडुलस को क्या होगा, जब तक मॉडुलस है प्रॉब्लम करेगा, तो मॉडुलस से हम लोग जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो दो कंडीशन में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है. दो कंडीशन में ब्रेक हो जाता है. तो क्या क्या कंडीशन है कि एक्स हो जाता है जब क्या होना चाहिए, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो. अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जस्ट ग्राफ को प्लॉट करते हैं. तो देखो फर्स्ट वाले को हम लोग देखेंगे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है. ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है. तो यहाँ बोल रहा है एंट्री जो है, हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो ये क्या है, ये इनपुट हो गया, इनपुट हो गया. Yes, हम लोग इनपुट जो पुट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कंडीशन है कि एक्स का वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, मींस जीरो. जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा वैल्यू, कुछ भी बड़ा, जीरो से पॉजिटिव होना चाहिए. ये जीरो से स्मॉल वैल्यू है तो इधर वाले ग्राफ क्या हो जाएंगे, इसको हाँ डिलीट कर देंगे इधर वाले, या ओमिट कर देंगे. तो रेस्ट क्या बच जाएंगे, सिंपली जो बचेगा वो यहाँ से इस तरह से बचेगा, ठीक है. अब सेकंड ग्राफ को हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स. माइनस माइनस एक्स का ग्राफ जो जाता है, इसमें जस्ट ये क्या है कि बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद इसी से रिलेटेड यही सेम कॉन्सेप्ट होगा. थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम को और टफ कर दिया जाए तब, कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तब, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं यूज होंगे, इसीलिए बता रहा हूँ. y इज इक्वल टू माइनस एक्स का तुम लोग को याद होगा तो यस, ठीक है, इस तरह से जाता है.
अब हम लोग इसमें क्या था कि सेम था लेकिन एंट्री जो था कि एंट्री जो भी देना इसमें जाएगा वो क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव इधर तो पॉजिटिव एक्स का हो गया, ये पॉजिटिव एक्स है और ये क्या है, निगेटिव एक्स है। निगेटिव एक्स। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब फाइनली जो इसका जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो। तो इसका जो वैल्यू जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि इक्वालिटी साइन नहीं है, तो इक्वालिटी साइन नहीं है तो इस तरह से हम लोग बना लें, ठीक है। वाइड मिलेगा, एक हॉलो सर्कल बोल सकते हो। अब ये क्या हो गया, दो हो गया, वन प्लस दो ज्वाइन कर लेना। देखो फर्स्ट था यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ देखो ये क्या था, वन था, और टू को ज्वाइन करोगे ये क्या था, टू। दोनों को ज्वाइन करोगे तो मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ मिलेगा, समझ में आया। Yes, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बाद में बताएंगे कैसे ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक से दो डायरेक्टली, ठीक है। अदरवाइज बेसिक अभी यही था कि इस तरह से बनाया जाता है। ब्रेक करना है, सपोज सेकंड पीडीएफ मिल जाएगा, एक सेकंड बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से देख लो। y इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास मॉडुलस x प्लस वन का ग्राफ प्लॉट करना है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है कि तुमको प्रॉब्लम है, मॉडुलस आ गया, मॉडुलस आ गया, तो हम लोग को फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा तुम्हारे पास कि मॉडुलस से हम लोग को क्या करना है, बाहर निकलना है, ठीक है। तो मॉडुलस से बाहर निकलने के लिए तुमको एक ही अभी तक थ्योरी बताए हैं, उसी को फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है इसमें, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, अभी क्या बताए थे कि जो भी ये क्या है, मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी है, तो मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी एक्स प्लस वन, जब क्या होगा एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जो जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे उसी को हम लोग ग्रेटर कर रहे थे। फिर माइनस एक्स प्लस वन, ये क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो रीराइट करना है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को फिर से लिख लेंगे क्या होता है जो नेक्स्ट स्टेप में, कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखो x प्लस वन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, x यहाँ पे अगर क्या होगा कि माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस वन आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x लेस देन माइनस वन आ जाएगा जी, बता देता हूँ yes, क्या इसमें कॉन्सेप्ट, अगर ये नहीं समझ। इसके बाद ग्राफ ट्राई करना, ठीक है, एंट्री सिंपली y इज इक्वल टू, दो ग्राफ y इज इक्वल टू x प्लस वन का ग्राफ बनाना है एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है। इसमें क्या लेना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेना है, इसमें x लेस देन इक्वल टू माइनस वन लेना है, ठीक है। ऑलरेडी जब तुम लोग को फिजिक्स पढ़ाया गया होगा, इनइक्वालिटी बताया गया था वहां पे, मैं एक क्लास लिया था उसमें बताए थे, नहीं इनइक्वालिटी नहीं, अच्छा इनइक्वालिटी का बता देता हूँ कैसे उसमें वर्क करते हैं, जो थोड़ा ये बेसिक पता है ना, टेंथ में ऐसा बताया गया है, कुछ आइडिया है इनइक्वालिटी का, चलो देख लेते हैं सर, थोड़ा बहुत है सर, हाँ थोड़ा बहुत है ना, चलो उतना कहीं काम था, बट थोड़ा टच कर लेता हूँ उस पॉइंट को, इनइक्वालिटीज को। अभी जो जरूरत पड़ेगा इसको बनाने में वही बता रहा हूँ, उसके बाद इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। सपोज तुमको x प्लस वन अगर ग्रेटर देन क्या है लाइक जीरो है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर लिखना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग सब्ट्रैक्ट बोथ साइड माइनस वन, एग्जैक्टली, वाई माइनस वन क्या होगा, एक्स प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन प्लस जीरो, ये क्या जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। अगर इस तरह से रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग जो बेसिक फंडा है वो ऐसे ही करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग जब मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते हैं कि राइट साइड लेकर के चले जाते हैं, वो ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन क्या है बेसिक जो कॉन्सेप्ट, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली हम लोग इसको कि x प्लस वन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है रिजल्ट सही इसको इधर लेके चले जाएं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, माइनस वन रिजल्ट सही आएंगे, यूज यही करना है कॉन्सेप्ट को, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है यही एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग होता है, ठीक है। yes, अगर तुमको x प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू टू लिखा हुआ है तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ से लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू टू माइनस थ्री, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। इस तरह से अगर तुमको 2x लेस देन इक्वल टू नाइन है तो हम लोग यहाँ डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो x लेस देन नाइन बाय टू, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखो सपोज यहाँ पे माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स लेस देन माइनस टू बोथ साइड बाई माइनस वन, क्यों माइनस वन से करेंगे तो क्या होगा कि इन साइन ऑफ इक्वेशन इक्वल चेंज, हाँ तो इस केस में सिर्फ साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी विल बी चेंज चेंज, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स था इसको हम लोग माइनस वन से मल्टीप्लाई किए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था माइनस वन, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऐसे करोगे रिजल्ट आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस टू, ये गलत आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे साइन को चेंज कर देना है, माइनस वन इंटू माइनस एक्स ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था माइनस टू से, हाँ तो चेंज कर देना है, देखो ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू टू डायरेक्टली, तो एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू। सपोज एग्जांपल इसी पे देख लेते हैं, माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, माइनस टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सब यूज होंगे, जैसे एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री रहेगा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस थ्री लिखेंगे माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। तो अब तुमको ग्राफ बना करके लाना है, थ्री एक्स मॉडुलस, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ये सेकेंड हो गया, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस टू एक्स प्लस वन तीन हो गया, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन चार हो गया, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन बाई टू। एक क्वेश्चन बता दूं क्या इसमें, यस बना लो, चलो ठीक है ट्राई करना, ये जैसे बताया था वो उसी को प्रोसीड करना,